नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदिक पंचगव्य। मैं हूँ अर्चना। दोस्तों, होली आने वाली है और अगर मैं आपको बताऊँ कि होली मनाना और होली खेलना हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो क्या आप सब इस पर विश्वास कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे, पर ये बिल्कुल सच है दोस्तों। होली खेलने के हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, और वो कौन से हेल्थ बेनिफिट्स है यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊँगी कि हम होली क्यों मनाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेलिब्रेटिंग होली, उसके पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे होली मनाने का सही तरीका क्या है, हाउ टू सेलिब्रेट होली इन करेक्ट वे, और अंत में हम जानेंगे होली मनाने के स्वास्थ्य लाभ, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सेलिब्रेटिंग होली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो दोस्तों, होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टोरीज बताई जाती है। उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है। कई जगहों पे ये कहा जाता है कि होली का दिन वही दिन था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध किया था, और उसके बाद से ये दिन होली की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। पर होली की जो सबसे प्रचलित कहानी है वो है भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की। दोस्तों, हिरण्यकश्यप एक बहुत ही पावरफुल राजा था जो चाहता था कि उसके राज्य में लोग भगवान को मानना छोड़ दे, भगवान की पूजा करना छोड़ दे और वो उसकी पूजा करना शुरू कर दे। पर उसका खुद का बेटा जो था प्रहलाद, वो एक बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था, और इसी बात की वजह से हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे प्रहलाद से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, और इसी वजह से उसने प्रहलाद को मारने के कई सारे असफल प्रयास भी किए। एक बार उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान मिला था। उसने होलिका को बुलाकर कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर अग्नि में जाकर बैठ जाओ, जिससे तुम तो नहीं जलोगी पर प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा। और होलिका ने बिल्कुल यही किया, पर हुआ बिल्कुल उल्टा ही। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान होने के बावजूद भी वो अग्नि में जल गई और प्रहलाद जो था वो बिल्कुल सेफ रहा। और कहा जाता है कि इसके बाद से ये जो दिन है वो हर साल होलिका दहन यानी कि होली के नाम से प्रचलित हो गया, और इसी के प्रतीक के तौर पर इस दिन हर साल होली मनाई जाती है, अच्छी शक्तियों का बुरे शक्तियों के ऊपर विजय के तौर पर। आइए अब जानते हैं होली किस प्रकार से मनाई जाती है। दोस्तों, होली मनाने के भी भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रिवाज हैं। होली के दिन देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे, आम की डालियाँ, औदुम्बर, नीम, पलाश और इन जैसी पवित्र पेड़ों की लकड़ियाँ काट कर लाई जाती है और उनसे होली बनाई जाती है, और उसके बाद में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होली का प्रज्वलन किया जाता है। इस दिन औरतें घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर प्रसाद के रूप में होली को भोग चढ़ाती है। भोग चढ़ाने के बाद में होली की परिक्रमा की जाती है, और मन ही मन में होली के पवित्र अग्नि से ये कामना की जाती है कि हमारे अंदर जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनका नाश हो और जितनी अच्छी शक्तियाँ हैं वो जीत जाए। दोस्तों, भारत में बहुत जगहों पर होली के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन होली में जलने के बाद जो रक्षा पज जाती है उससे खेलने का बहुत रिवाज है। धूलिवंदन के दिन लोग सुबह उठकर ये जो रक्षा है वो एक दूसरे को गालों पर लगाते हैं, हाथों पर लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये रक्षा फेंकी जाती है, और फिर शाम को अलग अलग रंगों से अलग अलग रंग एक दूसरे को लगाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक कर रंग पंचमी मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं होली के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, व्हाट आर द साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड सेलिब्रेटिंग होली। तो सबसे पहला है, इट प्रिवेंट्स डिसीजेस, ये बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, होली जो है वो वसंत ऋतु में आती है, और वसंत ऋतु ठंडी के ख़त्म होने के बाद और गर्मी शुरू होने से पहले बीच में आता है। तो ये जो समय होता है, ये जो सीजन होता है, ये हमारे बॉडी में और वातावरण में बैक्टीरिया बढ़ने का, बैक्टीरिया के ग्रोथ का समय होता है। इसीलिए बहुत लोगों को ठंडी खत्म होने के बाद वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश होना, इन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि इन सब का होली से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, होली का जो प्रज्वलन होता है तो टेम्परेचर जो होता है वो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है, और इस हीट की वजह से वातावरण में या फिर होली के इर्द गिर्द जो भी एरिया है वहाँ के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। और होली के प्रज्वलन के बाद जब हम होली की परिक्रमा करते हैं तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो भी खत्म होने में मदद मिलती है। दोस्तों, वसंत ऋतु के दरमियान वातावरण चेंज हो जाता है, अचानक से ठंडी से वातावरण में गर्मी आने लगती है, और इस वजह से वातावरण के चेंज की वजह से हमें थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है, टायर्डनेस फील होता है या फिर बोर्डम वाली फीलिंग आने लगती है। तो जब हम होली मनाते हैं तो हम सबसे मिलते हैं, इकट्ठा होकर होली मनाते हैं, और कई जगहों पर तो होली की परिक्रमा करने के साथ साथ होली का डांस भी किया जाता है। तो इन सबसे मूड फ्रेश होने में मदद मिलती है, तन और मन तरोताज़ा होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है स्किन बेनिफिट्स, हेयर बेनिफिट्स। दोस्तों, जब हम प्राकृतिक तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से बने हुए रंगों का इस्तेमाल होली खेलने के लिए करते हैं तो ये जो रंग है वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे स्किन को और हमारे बालों को नरिशमेंट देते हैं। धूलिवंदन की जो रक्षा होती है वो भी अगर हम हमारे हाथों पर हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वो भी स्किन में जो एलर्जीज है, स्किन में जो डिस्कलरेशन है या फिर स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होती है।
दोस्तों पुराने ज़माने में भी अलग अलग रंगों के साथ होली मनाई जाती थी और वो जो रंग थे वो नेचुरल चीज़ों से बनाए हुए होते थे। जैसे लाल रंग बनाने के लिए बीट रूट या फिर हिबिस्कस के फ्लावर या फिर अनारदाना का इस्तेमाल किया जाता था। पीला रंग बनाने के लिए हल्दी या फिर बेसन और गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया जाता था। हरा रंग बनाने के लिए पालक धनिया पाउडर मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। नीला रंग बनाने के लिए इंडिगो या फिर ब्लू हिबिस्कस या फिर ग्रेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। काला रंग बनाने के लिए आंवला या फिर काले ग्रेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑब्वियसली जब इन सारे नेचुरल चीज़ों से कलर बनाए जाते थे तो ये कलर जो होते थे वो नेचुरली एक फेस पैक या फिर हेयर पैक की तरह हमारे शरीर पर काम करते थे और हमारे स्किन और हमारे बालों को नरिशमेंट देते थे। पर आजकल होली के नाम पर जो कलर्स खेले जाते हैं उनमें बहुत सारे हजार्डस केमिकल मिलाए हुए होते हैं और इन केमिकल्स का हमारे शरीर को फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होता है और उसके नुकसान बहुत सारे झेलने पड़ते हैं। जैसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से कलर में कौन सा हार्मफुल केमिकल होता है और उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऑरेंज कलर में मर्क्यूरी सल्फेट नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ख़राब होता है। वो स्किन में इरिटेशन पैदा कर सकता है, पैरालिसिस या फिर ख़राब विजन का भी कारण हो सकता है। दोस्तों ब्लैक कलर बनाने के लिए लीड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से रीनल फेल्यूर या फिर स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ब्लू कलर बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से भी स्किन इरिटेशन या फिर डर्मेटाइटिस की समस्या हो सकती है। ग्रीन कलर बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से आँखों में एलर्जी, आँखों में टेम्पररी ब्लाइंडनेस या फिर आँखों का लाल होना, आँखों में पानी आना, इस तरह की समस्या हो सकती है। दोस्तों पर्पल कलर बनाने के लिए क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या या फिर एलर्जी की समस्या हो सकती है या फिर जिन लोगों को अस्थमा है उनमें ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो अगर आप भी इस साल की होली को सेफ और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो होली नेचुरल कलर के साथ ही खेलिए और होली का मजा लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।